दिक्कत ही हो रही है। ऐसा सड़क पहले बनते प्लान बाद में बनते हैं। आप क्या कहें, किसको कहें, ये सरकार देखने वाला नहीं है। आम जनता को तो परेशानी है, नेता लोगों को किसको परेशानी है, उनके लिए तो पूरा रूट खाली हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ रीमा सिंह और आप देख रहे हैं नेशन वन। इस वक्त मैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में खड़ी हूँ। आपको बता दें कि देहरादून शहर में बढ़ती आबादी के साथ ही शहर में विकास का काम जोरों शोरों से चल रहा है। वहीं पर सड़क चौड़ीकरण को लेकर कई नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। चौड़ीकरण को लेकर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उससे समस्या नहीं है, लेकिन बार बार सड़क को बनाने के बाद जो तोड़ा जाता है, चाहे वो सीवर लाइन डलनी हो, चाहे वो पाइप लाइन डलनी हो, लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक जाम्स की तो हालत हम बयां भी नहीं कर सकते। जो रास्ता 15-20 मिनट में निकल जाता था, अब उसके लिए आधा से ज़्यादा घंटा खड़ा रहना पड़ता है। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो अधिकारी हैं, जो विभाग हैं, क्या उनमें तालमेल की कमी है? तो चलिए जानते हैं और पूछते हैं जनता से ही कि आखिर उनको इस चौड़ीकरण को लेकर या बार बार सड़क तोड़े जाने को लेकर कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जाम से काफी दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत हो रही है मैडम। हाँ, अब क्या कर सकते हैं हम, ये बार बार सड़क को तोड़ रहे हैं। तोड़ रहे हैं और पता नहीं जहाँ तोड़ रहे हैं वहाँ जल्दी काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसको पहले ठीक करके तैयार करके तब दूसरी जगह करना चाहिए जी। यहाँ ऐसा हालत है कि जहाँ खोद रहा है वहाँ खोद के छोड़ रहा है और दूसरी जगह फिर खोद रहा है, खोद जगह जगह खोद खोद के छोड़ रहा है जी। आप क्या कहें, किसको कहें, ये सरकार देखने वाला नहीं है। देख लो, नाम क्या है आपका सर? मेरा SK चौहान, सुधीर कुमार चौहान। ट्रैफिक का तो बहुत बुरा हाल है, आप देख ही रहे हो सड़क का क्या हाल हो रहे हैं। ये बार बार जो सड़क चौड़ीकरण, विकास कार्य अच्छी बात है, पर सड़क चौड़ीकरण को लेकर क्या विभागों में तालमेल नहीं है कि सड़क बनाते हैं फिर तोड़ देते हैं, बोलते हैं अब सीवर लाइन डल रही है। बिल्कुल, ये तो इनको पहले सोचना चाहिए ना ये चीजें। ये तो जैसे रोड बनाते हैं उससे पहले सोचना चाहिए ये चीज डलवानी है, नहीं डलवानी। पैसा तो हमारे जनता का ही जा रहा है। जनता का ही जाता है पैसा, जनता का ही बेवकूफ बनाया जा रहा है बार बार तोड़ के। बिल्कुल बिल्कुल, तोड़ के ये परेशानी तो है, आम जनता को तो परेशानी है, नेता लोगों को किसको परेशानी है, उनके लिए तो पूरा रूट खाली हो जाएगा। उनके लिए कोई परेशानी नहीं, परेशानी है आम जनता के लिए, आम जनता ही परेशान रहती है हमेशा के लिए। सब जगह यही हाल हो रहा। अभी GMS रोड पे GMS रोड पे अभी इन्होंने टाइलें बिछाई है फुटपाथ पे जी, और उसमें अभी फिर इन्होंने गैस कनेक्शन के जो है पाइप लाइन डाल दी, उसको फिर तोड़ दिया इन्होंने। मतलब वो 5 दिन पहले बनी और 5 दिन बाद उन्होंने फिर तोड़वा दिया वो। मतलब ये हाल है यहाँ पर। रमापति शुक्ला, ये जो बार बार सड़क चौड़ीकरण को लेकर सड़क बनाने के बाद तोड़ी जा रही है, तो विभागीय तालमेल की इसको हम कमी कह सकते हैं, क्योंकि पैसा तो जनता का ही लग रहा है ना बार बार। हाँ, पैसा लग रहा है, ये बार बार ऐसा नहीं होना चाहिए। और कितनी दिक्कतें आ रही है ट्रैफिक? बहुत बहुत दिक्कत आ रही है, कभी इधर तोड़ देते कभी उधर तोड़ देते, ये तोड़ते ही रहे हैं। हर आगे भी टूटा हुआ है मिडो के पास जी, वो भी बीच सड़क में है, वहाँ भी ट्रैफिक का ये सीधे नीचे तक जाएगा, ये लोहिया पुल तक ये ऐसे खोदते हुए जाएंगी है। क्या नाम है आपका? रिया। रिया रिया रिया, ये ट्रैफिक की वजह से बार बार चौड़ीकरण के नाम पर सड़क बार बार तोड़ी जाती है, आपको नहीं लगता कि एक ही बारी में काम करवा के सड़क बनवाई जाए? करवाना चाहिए वाकई में। कितनी दिक्कतें हो रही हैं? बहुत दिक्कतें हो रही है, काफी काफी काफी। बढ़ते ट्रैफिक के दबाव के चलते सड़क चौड़ीकरण को लेकर अधिकारी या फिर संबंधित विभागों में आपसी तालमेल की यहाँ पर ज़रूर कमी दिखाई देती है। साथ ही जिन जिन लोगों से हमने बात करी वो यही कह रहे हैं कि प्लान जो है वो बाद में बनता है और सड़क जो है वो पहले तोड़ दी जाती है। असुविधा का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है, ये भी साफ देखा जा सकता है। नेशन वन पर हम ऐसे ही मुद्दे उठाते रहेंगे आपके सामने, ग्राउंड जीरो से लाते रहेंगे ऐसे ही मुद्दे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।